नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम पिन बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम पिन ऑनलाइन जनरेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम पिन जनरेट करने से पहले आपको ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैसेज वाला जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसके लिए ये जो आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, ऊपर में आपको जो है एक नंबर जो है मैं बता देता हूँ, वो नंबर आपको डालना है 560-7040। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर आपको ऊपर डालना है और नीचे आप टेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है ये भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको जो है कैपिटल में लिखना है DCPIN और इसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ATM कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर दोस्तों डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर जो नंबर है उस पर डायरेक्ट जो है आपको मैसेज जो है यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके मैसेज सेंड कर देना है। दोस्तों, मैसेज सेंड करने के कुछ सेकंड बाद ही आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। इस पर जो है दोस्तों 6 अंकों का एक OTP रहता है। ये OTP जो है आपको आगे काम आने वाला है ATM कार्ड पिन जनरेट करने में, इसलिए इस OTP को आप अच्छे से जो नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, गूगल पर आप सर्च कीजिए PNB नेट बैंकिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो है एक वेबसाइट आएगा netpnb.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है लॉग इन, तो दोस्तों लॉग इन पर आप क्लिक कीजिए। लॉग इन पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे जो नीचे जो है ग्रीन कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर जनरेट डेबिट कार्ड पिन, तो आपको जो है जनरेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ देखिए नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जनरेट डेबिट कार्ड पिन, जनरेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर जो है वो डाल देना है। अकाउंट नंबर जैसे डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1-time password आपसे जो है आपके नंबर पे जो है आपके अकाउंट के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आया होगा 4 अंकों का, तो उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के साथ ही अब जो है दोस्तों यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन का जो है आ जाएगा पेज। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है कस्टमर नेम, तो आपका जो नाम होगा वो ऊपर शो होगा। इसके बाद है कार्ड नंबर, कार्ड नंबर का मतलब हो गया आपके ATM कार्ड का जो नंबर है वो आपको ऊपर डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एंटर 6 डिजिट, यहाँ पर देख सकते ग्रीन पिन OTP। तो दोस्तों ये जो OTP है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप OTP जनरेट किए थे 6 अंकों का जो आपके पास आया था OTP, वो उस OTP को जो है आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और इसके बाद जो कैप्चा ऊपर दिख रहा है यहाँ पर आपको उस कैप्चा को कैप्चे वाले बॉक्स में डाल देना है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों डेबिट कार्ड का पिन सेटअप करने का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में है न्यू पिन और इसके बाद है री इंटर न्यू पिन। आपको यहाँ पर दोस्तों 4 अंकों का एक पिन जो है अपना बना लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आप जो है 4 अंकों का वो यहाँ पर बना लीजिए। पिन दोस्तों डालने के बाद आप फिर से एक बार सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर डेबिट कार्ड पिन बीन सेट। तो दोस्तों ये आपका जो पिन है डेबिट कार्ड का यानी ATM कार्ड का वो सेट हो चुका है, ठीक है। अब जो पिन डाले हैं वो पिन आपका जो है बन चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप पिन चेंज करना चाहते हैं तो आप दोस्तों आप किसी भी नज़दीकी ATM में जाके आप जो है पिन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से ऑनलाइन जो है पंजाब नेशनल बैंक का ATM पिन जो है जनरेट कर सकते हैं, खुद से पिन जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आया है तो कमेंट करके मुझे जो है ज़रूर पूछिए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।